भिकनगांव के बमनाला में विश्व क्षय दिवस पर बमनाला के बीमांक स्वास्थ्य केंद्र में टीवी मुक्त भारत एक जन आंदोलन को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें डॉक्टर आयुष पटेल मेडिकल ऑफिसर बमनाला के द्वारा क्षय रोग का समय पर इलाज नहीं किए जाने को लेकर भीषण परिणामों से अवगत कराया गया। उन्होंने क्षय रोग के लक्षण बताए, जिसमें 2 सप्ताह से अधिक खांसी, 2 सप्ताह से अधिक बुखार, रात में पसीना आना, लगातार वजन का कम होना, भूख नहीं लगना, छाती में दर्द होना, इन मुख्य लक्षणों के बारे में बताया गया। टीबी सुपरवाइजर हरे सिंह चौहान ने बताया कि ऐसा टीबी मरीज जिसे फेफड़ों की टीबी हो और समय पर इलाज न ले रहा हो तो वो एक वर्ष में 10 से 15 मरीज पैदा कर सकता है। सरकारी अस्पताल में टीबी की जांच में पॉजिटिव आने पर डॉट्स की दवाई निशुल्क एवं प्रत्येक टीबी मरीज को पोषण आहार हेतु भारत सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति माह दवाई चलने तक दिया जाता है। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। 25 तक हमारे देश को टीबी मुक्त बनाना, भारत सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। मगर मध्य प्रदेश शासन चाहती है कि हम हमारे प्रदेश को 31 दिसंबर 2024 तक टीबी मुक्त बनाएं। 31 दिसंबर 2024 तक मतलब भारत सरकार के लक्ष्य से एक साल पहले का लक्ष्य मध्य प्रदेश शासन ने रखा है। अब आज जैसे कि आज के डेट में विश्व टीबी दिवस है, इस कारण से हमारे बमनाला अस्पताल में हमने कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि आम जनता में टीबी को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। टीबी के पीछे सरकार इतनी जागरूक है और इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, पर इसमें जब तक जन भागीदारी नहीं होगी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसलिए ये जागरूकता का हमने प्रोग्राम इसीलिए लगाया है कि जब तक जन सहयोग नहीं मिलता इस प्रोग्राम में हमें आगे, तब तक सफलता नहीं मिल पाएगी। सरकार का लक्ष्य 2024। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।